So guys, I would welcome that so Sneha and so that so So guys, let's aim this video for 2700 likes. Let's see if we get there. Hello, namaste, sat sri akal, adab to everyone who's watching this video. My name is Hitesh Ishnani and welcome back to my channel. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है. आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कर लेनी चाहिए जैसे आप यहाँ आओगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी लॉन्ग रन में. और वैसे भी पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा. तो मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ, प्लीज़ वो नोट कर लो, और मैं आपको एंड में अप्रूव भी करा दूँगा और आपको पता लग जाएगा कि किससे अप्रूव करा रहा हूँ. तो पहला पॉइंट है, आते ही अपना सिम कार्ड ले लो. सिम कार्ड मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लेना है. सिम कार्ड आओ, ऑनलाइन अप्लाई मार दो, किसी फ्रीडम, फाइडो, जिस पे भी मारना है. ऑनलाइन प्रीपेड सिम कार्ड मारना सिर्फ 1 मंथ के लिए, ताकि आपको किसी को कॉन्टैक्ट करना तो आप कॉन्टैक्ट कर लो. ऑनलाइन डिलीवरीज, ऑनलाइन कहीं अप्लाई करना है तो आपको वो नंबर ज़रूरी चाहिए होगा, तो वो प्रीपेड नंबर आप कहीं पर ऐड कर लो. और जब आपका क्वारंटीन ख़त्म हो तो उसको पोस्टपेड करा लेना, या नया नंबर लेना उसको पोस्टपेड में करा लेना. तो कॉन्टैक्ट नंबर तो लेना ही लेना है. सेकेंड पॉइंट है, आपको आते ही अपने कॉलेज पे अप्लाई करना है अपनी मेडिकल आईडी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप मेडिकल आईडी अपनी अप्लाई कर देते हो तो अप्लाई करने से आपको 80-90 आपके मेडिकल इश्यूज हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे. अगर मान लो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है या सर्दी जो हम कुछ भी मेडिकल इशूज़, वो आपको 80-90% आपके वेव ऑफ हो जाएंगे, और मुश्किल से आपको स्टार्टिंग जो भी थोड़ा अमाउंट होता है वो देना पड़ेगा. तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट, मतलब बहुत बेनिफिशियल रहेगा, तो वो आप कर लेना. तो दो पॉइंट्स तो ये हो गए. तो तीसरा पॉइंट, अब आप यहाँ आ गए तो आपको खाने की ज़रूरत है, ग्रॉसरीज़ वगैरह, फूड की बहुत ज़रूरत है. तो आप यहाँ जब भी आओगे तो आप कोशिश करना कि आप कॉस्टको या वॉलमार्ट इन सब से अप्लाई करो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ग्रॉसरीज जो है वो मतलब चीप होती हैं एज़ कम्पेयर टू समवेयर एल्स. और मेनली आप नो नेम से अगर आप वो लेते हो ग्रॉसरीज या आइटम्स, तो आपको सस्ती पड़ती हैं और वो अच्छी भी होती हैं, कोई बेकार नहीं होती. तो वो ग्रॉसरीज़ का ध्यान रखना. फोर्थ पॉइंट, तो अब जब आप आओगे तो आपको आईडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. आप अपना पासपोर्ट कहीं पे ले जाके, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ले जा नहीं सकते, आप ले जाओ, बट चांसेस रहते हैं कि गुम भी सकता है. तो वो अवॉइड करने के लिए आप आते ही हर प्रोविंस की, हर टेरिटरी की आईडी बनती है. तो जैसे मैं ओंटारियो में हूँ, तो आप सर्विस ओंटारियो जाओ और सर्विस ओंटारियो से अपनी आईडी बनवाओ. उसमें आपको आपका लीगल नेम, डेट ऑफ बर्थ, और वो देखते हैं कि नेशनैलिटी वगैरह वो सब देख लेते हैं. पासपोर्ट ले जाना तो आपका वो बन जाएगा. तो इससे बेनिफिट क्या है आपको, अगर आप होटल में कहीं चेक इन करते हो तो आपको इजीली आप वो आईडी दिखा सकते हो, या अगर आपको कहीं पे कैनेडियन पोस्ट से अगर आपको कुछ भी मेल वेल आया है तो आप वो अपनी आईडी दिखा सकते हो. तो आपकी आईडी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है. तो ये चीज़ आप आते ही बनवा लेना जब आपका क्वारंटीन ख़त्म हो. फिफ्थ पॉइंट ये है कि सिन नंबर भी बहुत ज़रूरी है. सिन नंबर बनवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो सिन नंबर आप बनवाओगे ना तो वो आपका बन तो जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो आपने वीज़ा पे देख लेना कि वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा पे लिखा होना चाहिए कि यू आर एलिजिबल टू वर्क ऑफ कैंपस. अगर वो लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क ऑफ कैंपस, तो वो वेस्ट है, आप काम नहीं कर पाओगे. आठ वीक्स लग जाते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2-3 मंथ्स लग जाते हैं. मेरे दोस्त का वो हुआ है अभी ये सीन. सो टू अवॉइड दैट, अपने वीज़ा को चेक करके आना. मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, तो इस फ़ोटो में आप देख लो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. सिक्स पॉइंट, अब आपका जब क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा तो आप अपना ट्रैवल कार्ड बनवा लेना, प्रेस्टो कार्ड. वो $6 का होता है, नॉन रिफंडेबल, वो बनवा लेना. उसमें आपके $3.2 लगेंगे पर टैप, 2 आवर्स के लिए वैलिड होता है वो, और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेस करने में. तो आप वो बनवा लें. सेवन्थ पॉइंट, अपना अकाउंट बनवा लेना, जो आप अपना स्कॉशिया बैंक से जो भी जिसने GIC बनवाई है वो अकाउंट तो बन ही जाएगा. साथ साथ वो चेकिंग अकाउंट होता है, हमें चेकिंग अकाउंट के साथ साथ हमें चाहिए एक सेविंग्स अकाउंट. तो सेविंग्स अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेविंग्स अकाउंट, उसमें आप अपनी सेविंग्स डाल सकते हो, और वो आगे भी और चीज़ों में काम आएगा, वो आपको पता लग जाएगा. बट अपना एक चेकिंग्स अकाउंट बनवाना, साथ साथ अपना सेविंग्स अकाउंट भी ज़रूर बनवाना. एट्थ पॉइंट, अगर आप आ गए हो तो आपको अपनी स्टूडेंट आईडी या कॉलेज आईडी वो भी लेनी है. अभी पेंडेमिक चल रहा है तो आपको कॉलेज से तो नहीं मिलेगी, ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. तो अपनी स्टूडेंट आईडी भी ले लेना, स्टूडेंट आईडी से कई बेनिफिट्स हैं. अगर आप बस पास लेते हो तो आपको बहुत चीप पड़ता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली $30-40 आपके बच जाएंगे. तो अपनी स्टूडेंट आईडी बनवा लेना. नाइन्थ पॉइंट, क्लोथिंग, यहाँ के कपड़े यहीं के हिसाब से बने हैं, तो आप आना हडसन बे से ले लेना, विनर से ले लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा. क्योंकि इंडिया में आप ले तो लोगे, एक्सपेंसिव भी लोगे प्लस, या आप कोई और कंट्री से भी आ रहे हो तो आप वहाँ से लोगे, तो यहाँ पे वो इतना बेनिफिट नहीं करेंगे. तो यहाँ के विंटर क्लोथिंग लेना, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे. टेंथ और सबसे मेन पॉइंट, अगर आपको जॉब ढूंढनी है, आप चाहते हो आपकी जॉब लग जाए, तो आप आना, आने से पहले एक हफ्ता पहले बाकी कई साइट्स पे जाकर, वॉलमार्ट वगैरह जाके, नो फ्रिल्स पे जाके,
आप नीचे जाओगे करियर्स में ऑप्शन आता है, वहाँ जाके अप्लाई कर देना एक हफ्ते आने से पहले, क्योंकि वो 3 to 4 weeks लेते हैं। तो वो 3 to 4 weeks लेंगे और जब तक आपका क्वारंटीन खत्म होगा तब तक आपके हाथ में शायद जॉब आ सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और आते ही एजेंसीज में रजिस्टर करा लेना और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेना 2 हफ्ते बाद, ताकि आप क्वारंटीन ख़त्म करके वहाँ पे भी जा सको और आपको मिल सकते हैं जॉब। तो यही आज के 10 पॉइंट्स थे और मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है, मैं आपको मिलवा देता हूँ, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ पर, और साथ साथ मैं आपको उससे क्लियर करवा देता हूँ कि ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं ये सही हैं कि नहीं। सो गाइस आई वेलकम दैट सो स्नेहा, और इसने आपकी बहुत हेल्प करी है और मैंने भी इससे कुछ चीज़ें पूछी थी, तो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं मेरे हिसाब से तो वो करेक्ट हैं, जो मेरे को अपनी इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पे, अपना एक्सपीरियंस मिला है, तो मेरे हिसाब से वो करेक्ट है। बट मैं आप स्नेहा से भी पूछ सकते हो। सो जो भी इसने अभी वीडियो में बोला है वो सब सही है एकदम, और प्लीज़ फॉलो करो, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू वंस यू कम हियर, वंस यू लैंड हियर, इट्स जस्ट गोना मेक योर लाइफ ईजियर, इट्स जस्ट गोना मेक योर लाइफ स्मूदर, एंड इफ़ एनीथिंग जस्ट हिट हिम अप एंड ही इज़ गोना हेल्प यू, और इफ़ नॉट जस्ट हिट मी अप, आई कैन हेल्प यू सेल्फ प्रमोशंस। नहीं वो भी तो बोलते हैं सब्सक्राइब करो। So guys, please subscribe. Also, make sure you subscribe to his channel because he's putting in a lot of work and he just wants to help you guys. So just subscribe and also like this video so he knows that you actually like the video. Yes guys, so if you guys, you know, love this video, please give a big thumbs up and please comment down your queries or whatever you feel like, whatever you want to see next, please comment down. Until then, please spread the love, spread smiles, spread positivity and let's make life magical. See you. Yes. Bye-bye. Bye. सब्सक्राइब का बटन दबाइए दबाइए।